भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्ण को एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज पदक से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि बाई पलक पर चोट लगने के कारण उन्हें सेमीफाइनल खेलने से अयोग्य करार दिया गया। बता दें, चोटिल होकर नहीं खेलने के बाद भी लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले विकास भारत के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। विकास को कजाकिस्तान के अमानकुल अबिल खान से खेलना था, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाहर रहना होगा। वह हालांकि लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्वांगचू में 2010 में लाइटवेट 60 किलो में स्वर्ण जीता था। इसके बाद 2014 में इंचियोन में मिडलवेट में कांस्य पदक जीता था। उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल में चोट लगी थी और क्वार्टर फाइनल में उनका घाव गंभीर हो गया। करण खुराना, पंजाब केसरी, नई दिल्ली।